राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा मंडी से प्लस वन और प्लस टू के 120 छात्र छात्राओं ने डाइट मंडी के सभागार में स्वयं सिद्ध पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके द्वारा ई कंटेंट के बारे में बताया गया कि किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे सफलता हासिल कर सकते हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा मंडी से प्लस वन और प्लस टू के 120 छात्र छात्राओं ने डाइट मंडी के सभागार में स्वयं सिद्ध पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके द्वारा ई कंटेंट के बारे में बताया गया कि किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे सफलता हासिल कर सकते हैं। इसमें राज्य स्तरीय समन्वयक अणिमा शर्मा उपस्थित रही और उन्होंने विद्यार्थियों को पोर्टल के बारे में पूर्ण जानकारी दी कि हमारे ग्रामीण परिवेश में ज्यादा बच्चे हैं और पैसे के अभाव में वे कोचिंग नहीं ले पाते, उन सबके लिए ये स्वयं सिद्ध पोर्टल ई कंटेंट और रिसोर्स मटेरियल टैब बहुत लाभदायक है। जिला प्रयोजन अधिकारी बलवीर भारद्वाज ने बताया कि किस तरह से हम अपने चार विषयों बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित में अपनी कमांड रख सकते हैं और आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये पोर्टल और कंटेंट हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे और बच्चे इन विषयों में पूर्ण महारत हासिल कर सकते हैं। जिला परियोजन अधिकारी बलवीर भारद्वाज ने कहा कि सभी छात्र छात्राओं ने इसमें बहुत रुचि दिखाई तथा उनके साथ आए अध्यापकों ने भी पूर्ण जानकारी प्राप्त की। आज डाइट मंडी में हमने जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, उन बच्चों के लिए हमने विशेष रूप से एक कार्यक्रम रखा हुआ है। इस कार्यक्रम में जो बॉय स्कूल मंडी और गर्ल्स स्कूल मंडी के जो साइंस के छात्र हैं प्लस टू के, वो बच्चे भाग ले रहे हैं। ये बच्चे को आज हम बताएंगे कि कंपटीशन के लिए कैसे तैयार करना है अपने आप को, क्या मटेरियल पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारियां करनी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि बच्चे जब कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं जहाँ पर उनको बहुत बड़ी फीस जो है वो चुकाना पड़ती है। हमारे जो राज्य परियोजना कार्यालय है, उन्होंने स्वयं सिद्ध पोर्टल के माध्यम से जो है बच्चों के लिए एक ई कंटेंट तैयार किया गया है, जो हम बच्चों को घर पे बैठ कर के ही, जिन बच्चों के पास इंटरनेट फैसिलिटी है वो घर में बैठ कर के ही इस ई कंटेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी जो है वो भलीभांति कर सकते हैं। पहले अगर हमें इसमें सफलता मिलती है तो हम इस कार्यक्रम को ब्लॉक लेवल पे तथा स्कूल लेवल पे करवाएंगे। हमने पिछले वर्ष भी ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कराई थी इसी प्रकार से, और अंत में हमने एक क्विज कंपटीशन कराया जिसका मेन मकसद था कि हमारे जो बोर्ड मेरिट्स हैं वो कम आती थी, तो उस कंपटीशन से कुछ तो बोर्ड की मेरिट्स में जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में इजाफा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये जो कार्यक्रम है वो बच्चों के लिए भी और अध्यापकों के लिए भी बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो साइंस जितने बच्चे पढ़ते हैं और जो साइंस पढ़ाते हैं टीचर्स, वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्वयं सिद्धम पोर्टल जो है वो स्टेट का जो हमारा ऑफिस है उन्होंने इसको तैयार किया है, तथा ये जब आप इस पे जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो SSA RMSA हिमाचल प्रदेश में जाना पड़ेगा, और स्वयं सिद्धम पोर्टल पे क्लिक करने के बाद पहले तो आप अपनी कैटेगरी, आप बच्चे हैं या टीचर हैं या अन्य हैं, उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, तभी आप इसको आप लॉगिन कर सकते हैं। पर अभी कुछ दिनों से बिना रजिस्ट्रेशन भी आप इसकी इस पे जो है वो काम कर सकते हैं। इसमें जो ई कंटेंट पहले मिलेगा आपको, फिर टेस्ट सीरीज मिलेगी। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला छोटे ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।